हेलो गाइस, वेलकम टू माय अमेजिंग व्लॉग्स। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? भाई आज छोटा वसंत है, यानी वसंत से एक दिन पहले छोटा वसंत होता है। भाई पता तो मुझे भी नहीं है भाई लोग छोटा वसंत क्यों कहते हैं। भाई मैंने तो बहुत सारे उसमें सुना है कि दिवाली से पहले छोटी दिवाली, होली से पहले छोटी होली, तो भाई ये सब रहता है। तो मुझे भाई कमेंट करके बताना भाई ये कि क्यों होती है। भाई ऐसा नहीं है कि ऐसे आप कमेंट करके लिख दो कि भाई पी जो होली से पहले होती है वो छोटी होली होती, जो बसंत से पहले होती है वो बड़ा छोटा बसंत रहता है। तो भाई ऐसा मत लिख देना भाई, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। भाई कल तो इतनी तेज हवा चल रही थी, मजे आ रहे थे, कल ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, और भाई आज हवा ही नहीं है, आज हवा का थोड़ा मामला ही खराब है। तो भाई आज मैं आपको दिखाऊं, तो भाई छोटी बसंत की भाई शुरुआत हो चुकी है। लोगों ने भाई अपनी छतों पे साउंड लगा दिया है और भाई यहाँ पर पतंगे उड़नी स्टार्ट हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पतंग उड़नी स्टार्ट हो गई है क्योंकि भाई छोटा बसंत है ना, तो आज पूरी तबाही कूट देंगे। भाई पतंग में हवा नहीं लग रही है आज, बिल्कुल हवा की बिल्कुल बेकार हो रखा है हवा का हिसाब। भाई तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, आज हमने आपके लिए कुछ यार वो, आज मतलब हम कहीं जाएंगे, एक्स्ट्रा जगह जाएंगे। वैसे आज हमें थोड़ी पतंग वतंग भी लेनी है, जो मैं पहले भैया की पब्लिसिटी करके आया था ना सेंट्रल मार्केट में, गौरव कार्ड शॉप की, तो मुझे वहां पे जाना है। मैं भैया से प्रॉमिस करके आ रखा हूँ कि भैया मैं आपसे, जब मैंने आपकी भाई पब्लिसिटी करी है तो भाई सीधी सी बात है मैं उनसे पतंग लूंगा। तो मैंने भैया से कह के रखा है कि भैया मैं आपकी शॉप पे आऊंगा पतंग लेने, तो आप मुझे मिल जाना। तो सबसे पहले हम वहां पे जाएंगे पतंग लेने, फिर उसके बाद हम कहीं और जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे हम कि कहां जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले पतंग लेके हम आएंगे, तो उसके बाद हम जाएंगे। भाई अगर अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई लाइक कर देना, और भाई नए हो तो भाई चैनल पे भाई तो भाई उसको सब्सक्राइब कर देना। भाई यार भाई मैं आपको कुछ नई बात बताना चाहता हूँ। भाई हम इंस्टाग्राम पे भी आ चुके हैं, इट्स उज्ज्वल मौर्य व्लॉग्स। तो भाई मेरे इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो कीजिए मुझे, अगर अभी तक नहीं करा तो भाई कर लेना भाई फॉलो, जिससे कि मैं वहां पे भी कुछ अपनी वीडियोस की पहले से मैं कुछ आपको दिखा दूंगा कि भाई मैं इस दिन ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो भाई आप इंतजार कीजिए तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो भाई फॉलो कर लेना। यार हम गौरव भैया से पतंग लेने जा रहे हैं, मैंने उनसे प्रॉमिस कर रखा था, तो चलो मैं गौरव भैया की शॉप पे आपको पहुंच के फिर आपको। तो गाइस हम गौरव भैया की शॉप पर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गौरव भैया खड़े हैं। हेलो भैया, नमस्ते। भैया देखो मैंने आपसे प्रॉमिस करा था पतंग लेने आऊंगा, करा था नहीं करा था बता तो दो। करा था। हाँ तो भैया मेरे लिए पतंग निकाल दो फिर 50। हो गई बिल्कुल, बताओ कौन सी चीज है। चलो तो गाइस मैं पतंग ले रहा हूँ, ये बेहतरीन भैया हैं। तो गाइस भैया ने आज बहुत बेहतरीन तरीके से सजा रखी है, पेंगुइन वाली भैया ने बहुत सारी बेच दी है। भाई देखो बेहतरीन तरीके से भैया ने आज बहुत 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 सारा स्टॉक लगा दिया है, बहुत सारा स्टॉक लगा रखा भैया ने आज। इधर इधर भी कमी नहीं है, इधर भी कमी नहीं है, और पूरा भर के लगा रखा है भाई। ये भैया कह रहे हैं बड़ी पतंग आई है, एरी दो बेहतरीन लग रही है। भैया मेरे जितनी होगी है भाई, मेरे जितनी है भाई, बहुत लगा रखी है। भैया ने पतंग ला चुके हैं और भाई हमारी पैक कर रहे हैं भैया पतंग। तो भैया मेरा हिसाब कर दे तेरे 2 मिनट और क्या हाल है भाई। भाई हमने भैया से 7 रुपए की पतंग लिया, पतंग ला चुके, और भाई जब मैं आया तो भाई बेहतरीन तरीके से यहाँ पतंगबाजी हो रही है। भाई छोटा वसंत है इसलिए आज तबाही कूट देंगे। भाई बहुत सारे बंदे ऐसे कि आपको दिखाऊं, तो भाई वहाँ हमारे आकाश भाई कैड़ी पतंगबाजी करते हुए, और भाई इधर मितांश भैया है, उधर अमित भैया, सुमित भैया। अमित भैया ने तो लंबी तान रखी है भाई। तो भाई मैं आपको दिखाता हूं, और भाई बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पतंगबाजी चल रही है। भाई हमारे पास कोई ज्यादा खतरनाक कैमरा नहीं है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं। भाई पतंग आई, पतंग आई, पतंग आई भाई, पतंग आई, पतंग आई, पतंग आई। मैं पतंग लेता हूँ, अरे पतंग दिख गई। तो गाइस आपको पतंग दिख चुकी होगी, वो रही पतंग। गाइस हम पतंग ला चुके हैं वहां पे जो थी,
तो भाई अब हम अपनी पतंग तो कह नहीं सकते, अपनी नहीं है ना, दूसरों की पतंग है। तो भाई हम अब दूसरों की पतंग स्टार्ट करते हैं उड़ानी। तो गाइज मजा आ रहा है आपको वीडियो में? भाई अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो भाई लाइक कर दो भाई वीडियो। गाइज हवा इस टाइम बहुत बिल्कुल मर चुकी थी अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन भाई अभी बिल्कुल बेहतरीन चल रही है हवा। तो मैं तो भाई यही चाहिए था कि बेहतरीन चले हवा, बहुत बहुत बेहतरीन बेहतरीन कलर की पतंग उड़ रही है भाई, बेहतरीन अमेजिंग। भाई अगर भाई कमेंट नहीं कर रहा तो भाई कमेंट कर देना कि भाई मुझे पता नहीं है ना छोटा पसंद कब बनता है, क्या किस लिए कहते हैं उसको छोटा पसंद, तो मुझे बता देना आप। फिर मैं आपको कल बताऊंगा कि भाई जो बसंत होता है, बसंत खाली मैं तो सोचता था कि भाई जो है कि पतंग उड़ाती है भाई बसंत पे, लेकिन कुछ और भी होती है, वो मैं आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। तो गाइज मेरे पास एक पतंग और आ चुकी है, बेहतरीन पतंग है बिल्कुल। तो गाइज अब हम थोड़ी भाई पतंग पतंग थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो यार मैंने सोचा एक पतंग मैं भी उड़ा लूं, तो भाई मैं एक पतंग उड़ाने जा रहा हूं। क्योंकि हमें कहीं जाना है, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ आज मेरी मासी की एनिवर्सरी है, तो आज हम वहाँ पे जा रहे हैं माधवपुरम में, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी भीड़ हो रही है। और गाइज यार मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भाई, जैसे ये बसंत चल रहा है क्योंकि आज छोटी बसंत और कल बड़ी बसंत है, तो भाई आप लोगों का भाई आना जाना इधर उधर रहता रहेगा, तो भाई जब भी आप अपने व्हीकल से, कार वालों को मैं नहीं कह रहा, जो भाई स्कूटी से बाइक से जाएं वो भाई थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि गले कटने का डर है भाई। मैं तो उड़ा नहीं रहा खैर प्लास्टिक मंजे से, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि मैं ना उड़ाऊं, बहुत सारे जने हैं जो प्लास्टिक मंजे से उड़ा रहे होंगे, तो भाई उस चीज का आप ध्यान रखें भाई, गले में मफलर और सर पे हेलमेट जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और भाई छोटे बच्चों से भाई मेरी ये अपील है कि भाई पतंग लूटने मत जाओ भाई, जितनी छत पे आ रही है भाई वो आप उड़ाओ मजे लो, लेकिन भाई पतंग लूटने मत जाओ, बस मेरा ये है। थैंक यू सो मच।
गाइज आज हमारी मासी की एनिवर्सरी तो है ही और ऊपर से हमारे दादू का बर्थडे आज, तो आज हम दादू का बर्थडे को भी सेलिब्रेट करेंगे यू स्टाइल में। गाइज जैसे मासी का रूम डेकोरेट हुआ हुआ है उसी तरीके से दादू का भी रूम डेकोरेट हुआ हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने दादू का रूम कैसे डेकोरेट। दादू का केक कटने जा रहा है, उधर उधर आ जाओ, उधर दादू पीछे हो जाना, केक बना। तेल तो गाइस ये हमारी थाली है और हम इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो गाइस वन मोर अनबॉक्सिंग इन केक। वीडियो में इतना ही भाई, अगर आपको व्लॉग हमारा पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, और भाई अगर चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपके पास पहुंचे मेरी वीडियो सबसे पहले।